नमस्कार, आप देखा था नहीं भोजपुरी न्यूज टाइम, हम बानी शंभू सोराडी है। वक्त गोरखपुर जनपद के, हम वो पॉइंट पे खड़ा बानी जो ने पॉइंट से ये सिकटौर चौराहे से 5 किलोमीटर की दूरी पे घटलवा सनहा गांव में, यही से वो सड़क है, मेन सड़क गोरखपुर देवरिया मार्ग या बाईपास मार्ग है। यहाँ से सीधे गोरखपुर की तरफ, यहाँ से मात्र गोरखपुर मुख्यालय 10 किलोमीटर बाटे, और जौने मुख्यालय से यहाँ से सीधा ये पॉइंट से सिकटौर से आप सीधे सनहा के लिए जा सकेंगे। मुख्य बात ये बा कि सनहा में जौन घटना घटल, ये आज के दौर के जौन घटना बा, आज के दौर के जौन परिस्थिति बा, ये दौर के बयां भी करता, लेकिन जौन प्रेमी युगल के मामले में जौन ट्विस्ट आइल, इस सबसे बड़ा खुलासा भइल घटना में कि युवती जौन कुछ दिन पहले फरार रहल, घटना के बाद से वो एक लिखित बयान खोराबार थाने के दे दिलस। लिखित बयान में ही खोराबार थाने के दियाइल कि वो प्रेमी से, वो लड़के से जोने के मृत्यु भइल, जोने के मार दिहल गइल, वो लड़का से भोर में मिले खेत में गइल, ऐसा बयान के अनुसार, सूत्र के अनुसार मिला था, और साथ में मुंह बोला चाचा वो लड़की के आके वो लड़का के मार दिलस। ये लड़की के बयान बा, ताकि डर और सहम के वजह से, डर के वजह से वो लड़की घर से बाहर रहल, जौन मुख्य घटना के बाद वो फरार चलत रहल, और वो लड़की सीधे लिखित खोराबार पुलिस के ये एक मैसेज दिया है। तो सबसे बड़ी बात हो जा रही कि गोरखपुर मुख्यालय से मात्र 15 किलोमीटर की दूरी पे सनहा में यह तरह का अंजाम भोर भोर में दिहल जाता। सनहा में इतनी बड़ी घटना, गोरखपुर में इतनी बड़ी घटना, और प्रेमी युगल के जो दिखाओल गए चप्पल, दू चप्पल, उस निश्चित तौर पे प्रेम प्रसंग के मामला रहल, जो जनता में, समाज में, सबके अंदर ये मैसेज क्रिएट हो गए कि हाँ सच में कि ये प्रेमी युगल का मामला रहल, दू प्रेमी के मिलन का मामला रहल, जोने में एक प्रेमी के मौत के घाट उतार दिल गए। हाल फिलहाल जांच पड़ताल चल रहा बा, आरोपी का तलाश जारी बा। गोरखपुर से देखा था नहीं भोजपुरी न्यूज टाइम, कैमरा पर्सन सतीश संगम समूचा, देखत रहें भोजपुरी न्यूज टाइम।